हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑप्शन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चंगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे शिफ्टिंग द ओरिजिन के, और स्ट्रेट लाइन का ही टॉपिक है, जो कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन आई थिंक हमने एनसीईआरटी से ही किया था, उतना सिलेबस में कवर हो जाता है हमारा। एलिमेंट्स में बाद में करवाने वाला हूँ आपको। तो एक टॉपिक है शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो जो हम कॉनिक सेक्शन का पार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर मेरे पास एक एक्सरसाइज है एलिमेंट की, जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोनों एक्सरसाइज, चाहे आप स्ट्रेट लाइन की ये बात करो या फिर जो मैं कॉनिक सेक्शन में करवाने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आउट ऑफ द सिलेबस है, आपके आपके सिलेबस में नहीं आती वो चीज़ें, ठीक है। बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड है, बोर्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, वो ये स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मैंने लिखा है शिफ्टिंग द ओरिजिन, क्या मतलब है भाई शिफ्टिंग द ओरिजिन? ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब ये है, देखो हम सब जानते हैं दिस इज योर वाई एक्सिस और ये मेरी होती है जी एक्स एक्सिस, सब जानते हैं। और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करती है, जहाँ मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं 0,0, और उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन होता है जी मेरा। क्या होता है मेरा? ओरिजिन, ठीक है। क्या होता है मेरा? ओरिजिन होता है। और इसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी पॉइंट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, ये मेरा जी 3,4, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या रहता है हमारा कि एक्स डायरेक्शन में 3 जाऊँगा। पहले 3 लिखा है, इट मीन दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स डायरेक्शन में 3 जाना है, देन वाई डायरेक्शन में अगर 4 जाऊँगा, एक्स डायरेक्शन में 3 जाऊँगा, वाई डायरेक्शन में 4 जाऊँगा, तो यू गेट ए पॉइंट एंड दैट इज योर 3,4। क्या मिलता है? 3,4। तो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर है, और मुझे क्या जाना है, स्कूल में जाना है। अगर मुझे कहाँ जाना है, स्कूल जाना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे डायरेक्शन बता दी, इस गली में क्या जाना, सीधा जाना 3 किलोमीटर, एंड देन 4 किलोमीटर जाना है मुझे बाय डायरेक्शन में, तो आपका स्कूल आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब बात होती है कि शिफ्टिंग द ओरिजिन क्या है। शिफ्टिंग द ओरिजिन, ये चीज़ें क्लियर हुई ना, 3,4 कैसे मेजर करते हैं। सिमिलरली मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक्स वाई लिया, तो मान लो मैं थोड़ा दूर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखे। लेट ये पॉइंट ले लिया मैंने x,y। इस x,y का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब, फिर से अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो मींस ओरिजिन से लेकर के ये डिस्टेंस जो है x डायरेक्शन में, दैट इज़ योर x, और यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर y, तभी हम इस पॉइंट को बोलेंगे x,y। ये सुनो, तो सिंपली मैं फिर से आता हूँ, ये मेरा घर है, मेरा होम है, यहाँ से मुझे यहाँ स्कूल जाना है, तो मैंने क्या किया, x डायरेक्शन में x गया एंड देन y डायरेक्शन में y गया, तो मेरा क्या आ गया। अब क्या हुआ, अब घर वालों की प्लानिंग हुई, उन्होंने क्या कर दिया, घर को चेंज कर दिया, वो यहाँ पहुँच गए। पहले मेरा पुराना घर यहाँ पे था, अब उन्होंने नया घर यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेरे घर को ओरिजिन बोला, यानी पहले मेरा ओरिजिन ये था, अब मैंने ओरिजिन इसको बना लिया। तो लेट बी ये कोई भी पॉइंट होता है, 1,2 -1,2, तो मैंने ले लिया भाई, मैं इसको h,k बोल देता हूँ। एक पॉइंट था h,k, जो मैंने ले लिया, ये मेरा नया घर बन गया, मतलब नया ओरिजिन बन गया। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एज इट इज़ क्या रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस ही रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। पहला ओरिजिन यहाँ था, पहले मेरा घर यहाँ था, मैंने अपना नया घर बना लिया यहाँ पर। तो अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे नए घर के हिसाब से अब मुझे स्कूल जाना है, तो मैं पुराने वाला डिस्टेंस तो बताऊँगा नहीं कि भाई 3 किलोमीटर दे जाना, फिर 4 किलोमीटर दे जाना, तो आप स्कूल पहुंच जाओगे, तो इससे तो मैं आगे निकल जाऊंगा। इट मीन्स अब जो मेरा नया घर है, जो मेरा नया ओरिजिन है, उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, अब ये डिस्टेंस बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, वो क्या होगा वो निकालना है मुझे। तो एक मिनट के लिए मैंने मान लिया कि भाई यहाँ से अगर मैं इसको ओरिजिन बोलता हूँ, तो यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट है मेरा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिनोट कर दिया मैंने एक मिनट के लिए। आप एक्स डैश वाई डैश एक्स वन वाई वन कैसे भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। कि यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स था और यहाँ से ये डिस्टेंस वाई था, इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग जो मेरा पुराना घर था उसके हिसाब से मुझे स्कूल जाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता था, ठीक है। यानी पुराने ओरिजिन के हिसाब से मेरा कोऑर्डिनेट क्या था, ये था। अब मैं नए कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, यानी मेरा नए वाला जो घर है, यहाँ से मुझे एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है जी, एक्स जाना है, कैपिटल एक्स, और वाई डायरेक्शन में जाना है जी, कैपिटल वाई, तब मैं पहुंचूंगा यहाँ पे। तो नए घर के हिसाब से मैंने अब नया रूल डिफाइन कर दिया, ठीक है। घर वाले बोलेंगे बेटा स्कूल पहले के हिसाब से नहीं जाना, अब मुझे थोड़ा कम डिस्टेंस जाना है, स्कूल के नज़दीक ले गया मैं घर, मे भी हो सकता है स्कूल से दूर भी बना लेते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है।
सो बस यही रिलेशनशिप निकालना है कि मैंने नया ओरिजिन निकाल लिया तो एक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या होगा, और इस डायग्राम को देख के मैं बहुत इजीली समझ सकता हूँ। लेट मैं अगर कैपिटल एक्स लेता हूँ, पहले कैपिटल एक्स किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए। पहले मेरा ओरिजिन ये था और मैं एक्स डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कितना जा रहा था, जी जा रहा था एक्स, कितना डिस्टेंस था ये था जी मेरा एक्स, एक्स लिख दिया। अब मैं कितना जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ जा रहा हूँ जी, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल एक्स, ये मुझे निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा, सिंपल सा है, ये पूरा डिस्टेंस और इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, कौन से वाला, ये वाला, ये वाला मतलब इस ओरिजिन के हिसाब से मैंने ये पॉइंट क्या बोला था, एच कोमा के, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है मेरा एच, टोटल कितना है एक्स, एक्स में से एच माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, ये वाला डिस्टेंस मतलब कैपिटल एस, दैट इज सिंपली एक्स माइनस एच। क्या चीज़ें क्लियर हुई, सिंपल सा पढ़ना है ना भाई। पहले मैं टोटल इतना डिस्टेंस जाता था, अब मुझे इतना जाना पड़ रहा है, कितना कम हो गया, जितना मैंने छोड़ दिया, तो मैंने छोड़ कितना दिया, जितना ये पॉइंट था, यानी दिस इज एच कॉमा के, यानी एक्स डायरेक्शन में एच, वाई डायरेक्शन में के, सेम एज इट इज। अगर आप कैपिटल वाई निकालोगे तो सिंपल सा फंडा समझो, कैपिटल वाई मतलब ये वाला डिस्टेंस सिर्फ, यानी अब मेरा ओरिजिन ये है, यहाँ से लेकर के ये तो एक्स डायरेक्शन होगी कैपिटल एक्स, और ये जो डिस्टेंस मैंने बोला दैट इज योर कैपिटल वाई, तो ये टोटल कितना है, जी वाई है। ये नीचे वाला कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये मुझे पता लगा जी इस पॉइंट के हिसाब से ये डिस्टेंस होगा के, तो ये के है, टोटल वाई है, वाई में से के माइनस कर दो क्या बचेगा, वाई माइनस के। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड फ्रॉम 0 0 टू एच कॉमा के, ठीक है। तो इसके हिसाब से ना अब मेरा 0 0 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की बात करूं तो उसके हिसाब से ओरिजिन मेरा ये होगा, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। मैंने क्या किया, यहाँ से मेरा ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इन कोऑर्डिनेट्स पे फ़र्क पड़ेगा, एंड दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस और तो ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो दिस इज़ योर न्यू कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है कैपिटल से वो क्या मेरे न्यू कोऑर्डिनेट है, और ये वाले कौन से हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट है। और एच और के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ मैंने ओरिजिन यानी 0 0 से मैंने कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट किया, तो दिस इज योर न्यू ओरिजिन यू कैन से। पहले वाला तो 0 0 मानना है, एंड द सेकंड वन इज दिस इज योर न्यू ओरिजिन, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दैट्स इट। यहाँ से एक्स निकालना हो तो स्मॉल एक्स, तो ये उधर ले जाओ, दिस इज कैपिटल एक्स प्लस एच हो जाएगा, एज इट इज वाई निकालोगे तो कैपिटल वाई प्लस के हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द ओल्ड कोऑर्डिनेट। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द न्यू कोऑर्डिनेट, एंड एच एंड के आर द ओरिजिन, ठीक है। एच और के क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की, न कि डिस्टेंस की। ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई कि मैं कैपिटल एक्स या कैपिटल यानी न्यू ओरिजिन के हिसाब से मैं इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। पुराने के हिसाब से मुझे गिवन है तो नए के हिसाब से कैसे निकाल सकता हूँ, या नए के हिसाब से गिवन है तो पुराने के हिसाब से कैसे निकाल सकता हूँ, तो ये रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स है। तो इट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, ये एच और के जरूरी है कि इस तरफ हो, ये हो सकता है ना, मे बी इस तरफ हो, मैं ओरिजिन इस तरफ भी तो शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं ओरिजिन यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं ओरिजिन यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकता हूँ। इन दैट कंडीशन, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मान लो -3, -2 इस टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे आपको, बट द फॉर्मूला इज सेम, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो अब मान लो इसके हिसाब से एक्स वाई होता तो नया एक्स वाई क्या मिलता, अब ये पूरा एक्स होता मेरा, ध्यान से अगर मैं देखूं तो, यानी ये डिस्टेंस दैट इज योर स्मॉल एक्स, एंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज -3, डिस्टेंस -3 नहीं है, डिस्टेंस 3 ही है, बट द कोऑर्डिनेट इज -3। सो अल्टीमेटली योर कैपिटल एक्स विल बी, ये डिस्टेंस मतलब एक्स, और ये डिस्टेंस मतलब 3, तो एक्स प्लस 3 मिलेगा, दैट्स इट। पहली चीज़, आप बोलोगे प्लस क्यों कर दिया, तो प्लस मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर दिया, ये एक्स है, ये 3 डिस्टेंस है, दोनों को ऐड करोगे न्यू ओरिजिन के हिसाब से तभी तो डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज योर एक्स प्लस 3। अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊँ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस एच, हेयर एच इज द कोऑर्डिनेट, सो नाउ एच इज -3 हेयर, सो दिस बिकम एक्स माइनस -3 इज देयर, सो अल्टीमेटली दिस बिकम एक्स प्लस एच, एस सॉरी एक्स प्लस 3, क्या दोनों सेम है, यस दैट्स इट, ठीक है। तो मीन्स ये जितने भी रिलेशनशिप मैंने किए हैं ये बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स है, ना कि बिटवीन द डिस्टेंस है। अगर बिटवीन द डिस्टेंस की बात करो तो यू हैव टू मेजर प्रैक्टिकली, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है, वहाँ से ऑब्जर्व करो एंड यू गेट योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर ठीक है उसको ये समझ में आ गया शिफ्टिंग द ओरिजिन क्या है, मतलब ओरिजिन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, मेरा घर कहीं था मैंने दूसरी जगह पर बना लिया,
उसके हिसाब से मुझे बाकी के डिस्टेंस, कि मुझे मार्केट जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, उसके डिस्टेंस में क्या करूँगा, डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई पहले इतना दूर था, अब मैं घर से इतना दूर आ गया हूँ पहले से, तो आगे वाला डिस्टेंस कितना बचा है, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल। ये कुछ ऐसा ही है कि मैं घर से निकला, किसी मान लो कोई भी चौक आया, वहाँ पे रुक गया, ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई 2 किलोमीटर तो मैं आ गया हूँ, मेरा कॉलेज आगे 3 और पड़ता है, तो उस ओरिजिन से 3 पड़ता है ना, घर से तो 5 ही पड़ रहा था। ठीक है, तो बस वही चीज़ें हम कर रहे हैं, तो इस पर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। रब कर दूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, तो होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, देखो इस पर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे आपसे। एक्सरसाइज 10.9 है ये आपकी, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 10.9 एलिमेंट की बुक से। वन देखते हैं एक्सरसाइज 10.9 का, तो क्या बोला इसने, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बताना है, यानी जब मैं ओरिजिन शिफ्ट कर दूंगा तो उसके हिसाब से मेरा डिस्टेंस क्या होगा उस पॉइंट्स का इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसलेटेड टू 1, -1। अब इसने क्या बोला भाई कि ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है मान लो, और ये मेरा पॉइंट है 0, 0। अब मैंने इसको ओरिजिन को कहाँ ट्रांसलेट किया, अब ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, ये चीज़ ध्यान रखना कि मेरी जो नई एक्सिस होगी वो इस एक्सिस के पैरेलल ही होगी, वाई एक्सिस जो होगी वाई के पैरेलल ही होगी, ये ध्यान रखेगा। अब ये पॉइंट है 0, 0। अब मैंने नया ओरिजिन कहाँ बनाया है, नया ओरिजिन 1, -1, इसके अकॉर्डिंग 1, -1 कहाँ होगा, पहले मैं ढूंढता हूँ, तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में 1 जाओगे और वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ 1 जाओगे, दैट इज योर -1। सो इट मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट्स विल बी 1, -1। तो अब मैंने ओरिजिन यहाँ बनाया है, तो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल मतलब मेरी नई एक्सिस बनेगी ये रही, और वाई एक्सिस बनेगी दिस वन। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत, यानी ये मेरा कैपिटल एक्स बोल सकते हो, ये कैपिटल वाई बोल सकते हो, ये मेरी वाई एक्सिस स्मॉल एंड दिस इज योर स्मॉल एक्स एक्सिस, ये मेरा पुराने वाला घर है, ये मेरा नए वाला घर है। अब बताना क्या है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, नए कोऑर्डिनेट बताने किसके, द फर्स्ट इज 1, -1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मुझे 1, -2 इज देयर, सॉरी नॉट -1। इस पॉइंट के मुझे नए कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो मतलब ये क्या है, ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट है, यानी इस 0, 0 के हिसाब से दिस इज योर एक्स कॉमा वाई मुझे गिवन है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इज देयर, वी हैव टू फाइंड द कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ठीक है, और इसने एक चीज़ लिखी हुई है, द न्यू एक्सिस बींग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, हम ट्रांसलेशन में सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, यानी क्या है मेरे पास, जैसे ये क्रॉस होता है ना, तो बस मैं इसको उठा के ऐसे ऐसे लेके जाऊँगा, मैं इसको रोटेट नहीं करूँगा कभी भी, तो ये मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर ट्रांसलेशन एक तरह से बोल सकता हूँ मैं इसको, तो मेरी एक्सिस जो है वो हमेशा ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल ही रहेगी, नए एक्सिस एक्स के पैरेलल, वाई एक्सिस वाई के पैरेलल, दैट्स इट। सो वी हैव ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई एंड नया ओरिजिन मैंने शिफ्ट किया, दिस इज योर 1, -1। इसको मैंने क्या बोला था, दैट इज योर सेंटर, इट मीन्स ये जो 1, -1 है ये मेरा एच कॉमा के ही है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, तो पहले डायरेक्टली फॉर्मूले से जाते हैं फिर कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, दोनों चीज़ें समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कुछ करने लायक बचा ही नहीं, सेकेंड्स का क्वेश्चन से कैसे, देखो मुझे नया कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एक्स माइनस एच, पुट द वैल्यूज, एक्स क्या है दैट इज योर 1, माइनस एच क्या है दैट इज अगेन 1, तो दिस बिकम योर 0 साइन एज इट इज। कैपिटल वाई निकालो तो स्मॉल वाई क्या है दैट इज -2, माइनस साइन ये बीच वाला एज इट इज, सॉरी के क्या है दैट इज योर -1, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 दैट यू गेट -1, तो इट मीन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस, द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस इज योर 0, -1, दैट्स योर आंसर। चीज क्लियर, तो नया कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से जो पॉइंट था मेरा, दैट पॉइंट इज 1, -2, किसके हिसाब से, वो पुराने कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 1 मतलब एक्स डायरेक्शन में, -2 मतलब इसके नीचे चला जाएगा यहाँ, तो ये पॉइंट है मेरा 1, -2, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन, मेरे पुराने घर के हिसाब से मेरा स्कूल यहाँ पे है, मेरे नए घर के हिसाब से बता दो। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ से अगर मैं इसको 0, 0 बोलता हूँ, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना गया मैं इन वाई डायरेक्शन, दैट इज -2, टोटल डिस्टेंस कितना गया इन वाई डायरेक्शन दैट इज -2, ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस था जी 1, डिस्टेंस कितना है 1, कोऑर्डिनेट क्या है -1, टोटल ये कितना है, ये डिस्टेंस है जी 2, तो ये डिस्टेंस कितना बचा दैट इज 1,
बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट्स वाई वी टेकिंग इट माइनस वन. एक्स डायरेक्शन में अब देखो ये वाला पॉइंट है और ये अब मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है. तो दिस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस. सो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, दैट इज जीरो. दैट्स इट. इस पॉइंट ऑफ व्यू याद हो, ठीक है. सिंपली वैसे मैंने बता ही दिया कि ये डिस्टेंस कितना है. अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो सिंपली तो ये तो क्या हो गया, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट मेरा इसी एक्सिस पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या होंगे, जीरो. तो सेम एज इट इज वाई एक्सिस के लिए, पहले जो ओरिजिन था उससे डिस्टेंस टू था, दैट इज योर माइनस टू, मतलब डिस्टेंस टू है. अब वाले से डिस्टेंस कितना बचा, दैट इज वन. और वी कैन से योर डिस्टेंस ऑफ द न्यू ओरिजिन फ्रॉम द ओल्ड वन इज वन. तो ये वन है, टोटल टू है, टू में से वन माइनस किया मैंने, क्या बचा, वन. एंड दैट इज वन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया, ठीक है. एक्स में वही रहेगा, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव, वाई में ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो नेगेटिव. दैट्स इट, क्लियर. तो दैट्स योर फर्स्ट वन. अब चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, कॉन्सेप्ट अगले क्लियर है तो दैट्स इट. तो ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें खुद से कर करके ट्राई करना, ठीक है. बाकी इसमें इतना ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, आई थिंक. सेकेंड पार्ट आपका गिवन है, माइनस फोर कोमा फाइव दिया हुआ है, इसका मतलब दिस इज योर एक्स कोमा वाई. एच और के तो सेम रहेगा जो था, तो न्यू कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई क्या होगा, सिंपली मैं कर सकता हूँ कि एक्स क्या है, दैट इज माइनस फोर, वाई क्या है, दैट इज फाइव. इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा. तो दिस पॉइंट इज माइनस फाइव कोमा सिक्स, तो न्यू कोऑर्डिनेट इज माइनस फाइव कोमा सिक्स, क्लियर. लास्ट पार्ट आप खुद से कर लेना, दैट इज योर टू कोमा थ्री, ठीक है. तो लास्ट पार्ट इज योर होमवर्क फॉर क्वेश्चन नंबर वन. अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, हटा दूँ. ठीक है, तो या तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मैं नए कोऑर्डिनेट कैसे निकालता हूँ, पुराने कैसे निकालता हूँ. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नए निकालने हैं तो पुराने वाले में से सेंटर माइनस कर दो, पुराने ही निकालने हैं, एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा ना. जब ये निकालने होंगे इसको उधर ले जाओ, बस काम खत्म. एच और के को उधर ले जाओगे, ये प्लस हो जाएगा, दैट्स इट. ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू जीरो कोमा माइनस टू, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, तो मतलब न्यू ओरिजिन जो है मेरा, न्यू ओरिजिन जो है जीरो कॉमा माइनस टू इज देयर, इट मीन दिस इज योर एच एंड दिस इज योर के, सिंपली, ठीक है. इसको आप नीचे भी लिख सकते हो कि एच मेरा जीरो है और के क्या है मेरा, माइनस टू है, द फर्स्ट थिंग. फिर से बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बिकम टू कॉमा फाइव, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बिकम टू कॉमा फाइव, व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बिकम टू कॉमा फाइव, इट मीन्स योर न्यू कोऑर्डिनेट आर, मेरे न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज टू कॉमा फाइव. इसका मतलब क्या है, ये पुराने वाले हैं कि नए वाले, बिकम हो गए हैं, नए वाले हैं भाई, तो इट मीन दिस इज योर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई देयर. इज इट क्लियर. फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, ओरिजिनल मतलब जो नए थे, मेरे पुराने वाले घर से कितने डिस्टेंस पे था मेरा स्कूल, वही निकालना है भाई, वापस शिफ्ट कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है. इट मीन्स यू हैव टू यूज दिस और यूज दिस, डजेंट मैटर, एच को उधर ले जाना बस. पुराने यानी पुराना घर कहाँ से दूर था, कैपिटल एक्स प्लस एच, ठीक है. यानी जहाँ मैंने शिफ्ट किया उसका डिस्टेंस और शिफ्ट करने के बाद कितना डिस्टेंस है, दैट इज योर, एंड दिस इज योर कैपिटल वाई प्लस के. तो एक्स क्या है, दैट इज टू, एच क्या है, दैट इज जीरो, सो दिस कोऑर्डिनेट इज जीरो, टू ही रहेगा, सॉरी वाई प्लस के, तो वाई क्या है, दैट इज फाइव, प्लस के क्या है, दैट इज माइनस टू, तो डायरेक्टली माइनस टू, दैट इज योर थ्री. तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आर टू कॉमा थ्री, लिख देना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आर टू कॉमा थ्री, दैट्स इट. इजी, बहुत इजी आई थिंक. क्वेश्चन नंबर थ्री फटाफट हो जाएगा, सिर्फ छह ही क्वेश्चन है मेरे पास और बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड. पहले में क्या निकाला मैंने, नए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या निकाला मैंने, पुराने कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तीसरे में क्या निकाला हूँ, ओरिजिन कहाँ शिफ्ट करूँ भाई. तो इसने क्या बोला, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 4.5 आर टू बिकम 3.7. मेरे जो कोऑर्डिनेट है 4.5 वो क्या बन जाने चाहिए, 3.7 हो जाने चाहिए. क्या हो जाने चाहिए, 3.7 हो जाने चाहिए. एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड, मैं ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करूँ, किस पॉइंट पे लेके जाऊँ. ये मेरा ओरिजिन है 0.0, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ भाई, कहाँ बनाऊँ ये ओरिजिन ताकि
पहले जो पॉइंट इस ओरिजिन के हिसाब से ये मेजर कर रहा था वो अब ये हो जाए। इसका मतलब क्या है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इज देयर एंड कैपिटल एक्स इज कैपिटल वाई इज देयर। ठीक है, ये बन जाएगा, बनेगा तो तब ना जब शिफ्ट कर दूंगा। तो ये शिफ्ट करने के बाद वाला है और ये शिफ्ट करने से पहले वाला है, मतलब ओरिजिन वाला है। तो पहले मेरे घर से इतना दूर था स्कूल, अब मुझे इतना करना है भाई ताकि टाइम कम लगे, टाइम पे पहुंच जाऊं, मैं लेट ना हूं। तो अब कहां पे घर बनाऊं भाई, कौन से सेक्टर में प्लॉट लूं मैं, तो वही मुझे बताना है। ठीक है, ओरिजिनल घर से कितना दूर पे लूं, दैट्स इट। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड हेयर एच एंड के, सो यूज एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक यूज कर लो। ठीक है, मान लो मैं ये यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मुझे एच निकालना है, तो एच को उधर ले जाओ, माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये एक्स एच उधर ले गया प्लस का, ये एक्स स्मॉल जो है इधर ही रहा, और कैपिटल एक्स इधर आएगा तो माइनस का एक्स, सेम एज इट इज। अगर मैं वाई सॉरी के की बात करूँगा, दिस बिकम योर स्मॉल वाई माइनस कैपिटल वाई, यानी पुराने वाले में से नए वाला माइनस करता हूँ, यही करता था मैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट है, तो दिस डिस्टेंस इज टोटल एक्स, सिर्फ एक्स की बात करें तो इसके हिसाब से ये डिस्टेंस होगा कैपिटल एक्स, मुझे निकालना ये वाला कितने डायरेक्शन में, तो बड़े में से छोटा सॉरी छोटे में से बड़ा माइनस कर दो, यू गेट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज के, सिंपली सेम एज इट इज इन केस ऑफ वाई। सो डिस्टेंस सॉरी दिस डिस्टेंस इज एच एंड दिस डिस्टेंस इज के, सो वी हैव टू फाइंड दिस वन। सो नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। तो व्हाट इज योर स्मॉल एक्स, दैट इज 4, माइनस कैपिटल एक्स दैट इज 3, यू गेट 1, स्मॉल वाई इज 5 एंड कैपिटल वाई इज 7, सो यू गेट -2। सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट द ओरिजिन 1, -2, तो शिफ्ट द ओरिजिन एट 1, -2, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, इजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं। और तीनों चीज़ें निकालनी, मतलब इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे, तीन ही चीज़ें हैं कि मेरा पुराने पॉइंट्स क्या होंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, और ओरिजिन कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। दैट्स तीन ही चीज़ें हैं और तीनों में से तीनों मैंने निकालनी सीख ली, दैट्स इट। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द ट्रांसफोर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब बात सिर्फ कोऑर्डिनेट की नहीं बची, अब बात बच गई है भाई, एक स्ट्रेट लाइन दे दी मुझे और जिसकी इक्वेशन मेरे पास है, एंड द इक्वेशन इज 2x-3y+5, 2x-3y+5 = 0। ठीक है भाई, वेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3, -1। अब मैंने क्या किया, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, कहाँ शिफ्ट कर दिया, 3, -1, तो रेंडमली कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, तो 3, -1 है तो लेट बी मैं यहाँ कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, लेट बी दिस 3, -1, दिस इज योर न्यू ओरिजिन, मतलब ये एच कोमा के है मेरा, द ओरिजिनल वन इज 0, दिस वन इज ओरिजिनल वन। ठीक है, तो अभी तक क्या बात कर रही थी, सिर्फ एक पॉइंट की बात हो रही थी, मैं निकाल दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बड़े वाले से छोटा माइनस कर दो, जो पुराना कोऑर्डिनेट था उसमें सेंटर माइनस कर दिया तो मेरा नया कोऑर्डिनेट मिल जाता था, दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल। सो नाउ वी हैव इक्वेशन, इक्वेशन में क्या करें, ठीक है, शिफ्टिंग द ओरिजिन। अब ये चीज़ें ना सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स में बहुत काम आती है, शिफ्टिंग द ओरिजिन वाली चीज़ें। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं बोलता था, हर टाइम जरूरी थोड़ी है कि मेरा पैराबोला जो है उसका वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पे ही होगा, वो तो स्टैंडर्ड पैराबोला की बात है, मे बी मैं यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, इसलिए मैंने पहले ये करवाना सोचा ताकि आपको बाद में वो चीज़ें भी क्लियर हो। सो क्या किया जाए, अब देखो ये लाइन तो यही रहनी चाहिए, इस लाइन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ये लाइन की इक्वेशन वही रहेगी, जैसे जो मैं पहले करता था वहाँ पर जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट होता था x, y, ये वही रहता था, मेरा स्कूल वहीं पे है, फ़र्क क्या पड़ गया, मैंने अपना घर यहाँ की बजाय यहाँ बना लिया। सो फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ से जो डिस्टेंस जाता था और यहाँ से डिस्टेंस जाता था उसमें फ़र्क आ गया बस, दैट्स। ठीक है, वही चीज़ मुझे बतानी थी कि पहले मैं कितना जाता था, अब मैं कितना जा रहा हूँ। सेम एज इट इज, ये पॉइंट कॉन्स्टेंट रहा, सेम एज इज दिस लाइन विल बी कॉन्स्टेंट, ये लाइन वही रहेगी, इसका स्लोप वही रहेगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, जिन पॉइंट से पास होती है उन्हीं पॉइंट से पास होगी, बट अब वो पॉइंट का बोलने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, कैसे, कि पहले मैं इसके अकॉर्डिंग बोलता था, अब मुझे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताना है कि ये कहाँ होगा। सो क्या किया जाए, इसको हटा दूँ एक बार, मतलब मेरी इक्वेशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, मेरी इक्वेशन क्या है, दैट इज़ योर 2x-3y+5 = 0, और ये किस के अकॉर्डिंग है, यानी इस पर एक जनरल पॉइंट मैं लेता हूँ अगर, दैट इज़ योर x, y, ये किसके इक्वल है, सो दैट इज सिंपली, और सॉरी ये किसके अकॉर्डिंग है,
तो टू द ओल्ड ओरिजिन जो मेरा 0.0 था उसके अकॉर्डिंग है, बट अब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है फॉर द न्यू ओरिजिन। सो कैसे निकल, अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये चेंज भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी एक्स को कैपिटल एक्स से वाई को कैपिटल वाई से चेंज कर दो, क्या फ़र्क पड़ा? अगर मैं इसको कैपिटल एक्स एक्स डैश ए बी लिख दूँ तो उस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ठीक है, तो ये एक्स तो वही रहा ना, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ये एक्स वाई कोई पॉइंट है मान लो इसके ऊपर, कुछ भी मैंने रैंडम लिया 3.5, जरूरी नहीं है इस पे हो, मैं रैंडमली ले रहा हूँ समझाने के लिए, सिर्फ 3.4 लिया। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस ओरिजिन से यही है, ठीक है। अब इस 3.4 को मैं कुछ भी बोल दूँ, ठीक है, मुझे तो क्या चाहिए ना, इस 3 को मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, वो वाली चीज़ चाहिए। तो इट मीन्स चीज़ें क्लियर हुई, सिंपल सा मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये कैपिटल स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, इसके लिए मेरे पास ये रहे फॉर्मूले। तो स्मॉल एक्स को मैं एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ और स्मॉल वाई को मैं कैपिटल वाई प्लस के लिख सकता हूँ, बस यही चीज़ें मुझे शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो दिस बिकम योर कैपिटल एक्स प्लस एच, क्या है द कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू ओरिजिन, दैट इज 3, तो दैट इज 3, एक्स प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई एंड दैट इज योर माइनस 1। सो स्मॉल एक्स को मैं एक्स प्लस 3 से और वाई को मैं वाई माइनस 1 से शिफ्ट कर दूंगा, दैट्स इट। तो उससे क्या हुआ, क्या मेरी इस लाइन की प्रॉपर्टी चेंज हुई? जी बिल्कुल नहीं हुई। जो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट होनी थी यानी इस ओरिजिन के हिसाब से होनी थी वो मैंने इस सेंटर के ओरिजिन के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ आप ये समझ सकते हो, ये जो लाइन है चाहे वो इसके अकॉर्डिंग हो इसके अकॉर्डिंग हो, लाइन तो सेम है, इसका मतलब ये अपने ही पैरेलल है। बट जब ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो अब देखना, आप इस क्वेश्चन में सिर्फ इस वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, आपके अल्टीमेट आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें सेम रहेगी। यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं बट द कांस्टेंट टर्म विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो इसके पहले लाइन लिखने के लिए इस 5 को चेंज करना पड़ता है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। सो दिस बिकम योर 2 इंटू एक्स इज योर कैपिटल एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू वाई इज योर कैपिटल वाई माइनस 1 एंड प्लस 5 होल इक्वल टू 0। सॉल्व इट, 2 को अंदर लेके जाओ, दैट बिकम 2 कैपिटल एक्स प्लस 6 माइनस 3y प्लस 3 सॉरी दिस कैपिटल वाई एंड प्लस 5 होल इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट, यू गेट 2 कैपिटल एक्स माइनस 3 कैपिटल वाई प्लस 6 प्लस 3 9 प्लस 5 दैट इज 14 प्लस 14 होल इक्वल टू 0, दैट्स योर इक्वेशन। पहले दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ द लास्ट कॉन्स्टेंट इज चेंज्ड, दैट्स इट, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, कैपिटल स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। वो चाहे किसी की भी इक्वेशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइपरबोला एलिप्स पैराबोला कुछ भी हो डजेंट मैटर, जस्ट मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मुझे नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट देगा वो, ठीक है। इसमें मुझे इक्वेशन निकालनी है और ये भी मेरे पास क्या होंगे, गिवन होंगे और ये मेरे जनरल पॉइंट होंगे, सॉरी क्योंकि जनरल इक्वेशन निकालने तो ये दो चीज़ें, तो पहले जनरल पॉइंट ये था अब ये बन जाएगा एंड ये मुझे गिवन होगा, दैट्स इट। अब इसको फाइनली सॉल्व करना है तो फाइनली क्या करो, इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, ऑल इक्वल टू 0। कुछ बोलेंगे सर अब ये पुराने के हिसाब से नहीं हुई, इन नए के हिसाब से, क्योंकि इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशंस को, दैट्स वाई आंसर को चेंज करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख के छोड़ दो चाहे ऐसे लिख लो, दैट्स इट, ठीक है। बट मोस्ट प्रॉब्ली हम ऐसे ही लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्लियर, दैट्स इट। बाकी के दोनों क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अब चीज़ें क्लियर होगी, सिर्फ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, चलो हटा देता हूँ इसको भी। इफ़ द एक्सिस बी पैरेलल एंड थ्रू द पॉइंट्स माइनस 2.1, अब देखो थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज हो गया। इफ़ द एक्सिस इज पैरेलल, तो लेट बी मैं ओरिजिनल एक्सिस बनाता हूँ ये वाली। अब इसमें ध्यान से पढ़ो क्या बोला, इफ द एक्सिस बी पैरेलल एंड थ्रू द पॉइंट माइनस 2.1, एक्सिस मेरी क्या है इसके पैरेलल है, उसने बोला कि एक्सिस बी पैरेलल एंड थ्रू द पॉइंट माइनस 2.1 इज देयर, माइनस 2 मतलब माइनस 2.1 कहीं आ होगा, तो इससे पास होती है। तो मान लो ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी क्या होगी एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली बता दिया कि माइनस 2.1 जो है ना ये मेरा नया ओरिजिन है, क्योंकि दोनों एक्सिस सिर्फ एक ही पॉइंट से पास होती है एंड दैट इज योर ओरिजिन। सो अब मैंने इनको ट्रांसलेट करके यहाँ कर दिया, नए एक्सिस बना दी, तो ये जहाँ से पास होंगे दैट बिकम योर न्यू ओरिजिन, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एच कॉमा के, ये मेरे क्या बन गए, न्यू ओरिजिन बन गया, बस इसका बोलने का मतलब ये था, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, द फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y
प्लस फोर इक्वल टू जीरो, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, वही चीज़ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर कैपिटल एक्स। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि कई बार कैपिटल एक्स में बार बार आदत होती है ना, जैसे हैबिट होती है कि स्मॉल एक्स लिख देता हूँ, तो इट्स ओके, इसको एक्स डैश या फिर एक्स वन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। मुझे तो नए कोऑर्डिनेट बताने ना, बस मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं किसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, बस इसे एक्स वाई की जगह रिप्लेस कर देना एक बार बस, ठीक है। फाइनल आंसर में फिर से एक्स वाई ले आओ, दैट्स इट। सो दिस बिकम योर, मान लो एक्स डैश लिखता हूँ मैं, तो दिस बिकम एक्स डैश प्लस एच, एच क्या, दैट इज माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू, एंड ये हो जाएगा लेट बी इट इज वाई डैश, और के क्या है, दैट इज प्लस वन, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो यू गेट हियर एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, वाई की जगह रखोगे वाई डैश प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस फोर इंटू एक्स, एक्स इज योर अगेन एक्स डैश माइनस टू, एंड प्लस टू इंटू वाई, वाई इज योर वाई डैश प्लस वन इज देयर, एंड प्लस फोर होल इक्वल टू जीरो, दैट्स सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सो दिस बिकम योर ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो एक्स डैश स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज फोर, माइनस टू टू जो फोर एक्स डैश इज देयर, सॉल्व इट। बाहर माइनस है तो साथ में साइन चेंज हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सब प्लस आएंगे, तो बाहर माइनस है तो सब माइनस कर दो, माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होगा, बाहर माइनस की वजह से माइनस, एंड माइनस टू वाई डैश इज देयर। बाकी नीचे लिख दूँ, दिस इज योर प्लस फोर एक्स डैश इज देयर माइनस एट, प्लस टू वाई डैश प्लस टू, एंड प्लस फोर होल इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट तो कैंसिल आउट कर दो, बाकी सिंप्लीफाई कर लिख दो, दिस बिकम योर एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इज देयर, ये और ये टर्म आ गई, एक्स वाले टर्म ढूंढो, फोर एक्स डैश ये हो गया, और कुछ है ये है, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट मेरा, वाई डैश वाली तो प्लस का टू वाई डैश माइनस का टू वाई डैश ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसको बैठा दो, क्या बचा, कांस्टेंट टर्म, तो प्लस का फोर माइनस का वन कितना बचा, प्लस का थ्री, प्लस का थ्री माइनस का एट, माइनस का फाइव, माइनस का फाइव और प्लस का सिक्स, दैट यू गेट प्लस का वन ऑल इक्वल टू जीरो। नाउ रिप्लेस दिस एक्स एंड वाई, रिप्लेस दिस एक्स डैश एंड वाई डैश विद एक्स वाई, सो यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन ऑल इक्वल टू जीरो। इस वन को चाहे उधर ले जाओ चाहे यहीं रख लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। दैट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव। तो सेम एज इट इज आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, सिर्फ एक्स और वाई को सेम एज इट इज रिप्लेस करना है, सेम पॉइंट से रिप्लेस करना है, तो सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, व्हाट डज द इक्वेशन बिकम व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1, 1। देखो सेम ही है, फाइव और सिक्स सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, बस ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी इक्वेशन है उसको मुझे जो भी वैल्यूज एक्स और वाई गिवन होगा, ठीक है, मे भी हो सकता है नई इक्वेशन दे दे आपको, ऐसा भी कर सकता है वो, ऐसा नहीं है कि लेट मैंने बोल दिया कि एन इक्वेशन बिकम बी लाइक टू एक्स प्लस थ्री वाई, और ये हमेशा मुझे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में लिखा हुआ मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं है कि मान लो ये मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दी कि योर न्यू इक्वेशन बिकम दिस व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, -2, लेट बी दिस, सो नाउ योर न्यू ओरिजिन इज दिस एंड दिस इज योर न्यू इक्वेशन, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द ओल्ड वन, ओल्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ओरिजिन क्या होगी वो मुझे पूछा गया। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, व्हाट डज द इक्वेशन बिकम, हाँ ठीक है, ये तो पूरा मतलब मेरे से क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स में वही नए वाले इक्वेशन पूछा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ कि व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस योर इक्वेशन बिकम दिस, मेरी इक्वेशन जो ये बन जाती है, जब मैं ओरिजिन यहाँ लेके आता हूँ तो मेरी इक्वेशन जो ये बन जाती है, तो मुझे पुराने वाली इक्वेशन बतानी है, यानी अकॉर्डिंग टू जीरो जीरो मेरी इक्वेशन क्या होगी वो पूछी है। तो इसका मतलब सिंपल से समझ जाओ कि ये दिस एक्स एंड वाई इज योर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि नया बनने के बाद, अब ऐसे नहीं करना कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तो यही है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से मतलब नहीं है मुझे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का मतलब है यहाँ पे जो मैंने लिया उसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ओरिजिन है, यानी जो मेरा ओरिजिनल ओरिजिन है जीरो जीरो है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं पी के लिखूँ, एक्स वाई लिखूँ, एक्स डैश वाई डैश लिखूँ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो बोलना चाह रहा है और जो मैंने यहाँ समझाया है वो चीज़ें दोनों मैच करनी चाहिए। तो दिस इज योर ओल्ड वन एंड दिस इज योर न्यू वन, सो वी हैव टू फाइंड द न्यू, मेरे पास इनसे रिलेटेड इक्वेशन है, यानी अल्टीमेटली अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे है, टू कैपिटल एक्स प्लस थ्री कैपिटल वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये है मेरे पास। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन इन द ओल्ड ओरिजिन, मीन्स नाउ वी हैव टू रिप्लेस कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बाय दिस वन, सो रिप्लेस दिस, सो दिस बिकम योर टू इन टू एक्स माइनस एच, एच क्या है यहाँ पे वन, तो दैट इज योर दिस, प्लस थ्री इंटू वाई माइनस k,
के, के क्या है, दैट इज माइनस टू, तो माइनस वन प्लस टू, दैट प्लस सेवन होल इक्वल टू जीरो। नाउ सॉल्व दिस, यू गेट हेयर टू एक्स प्लस थ्री वाई, यहाँ से माइनस टू आएगा, यहाँ प्लस सिक्स आएगा, तो प्लस का फोर एंड दिस इज इलेवन होल इक्वल टू जीरो। ये सॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट। तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे नई इक्वेशन पूछी गई है पुरानी इक्वेशन पूछी गई है। तो ये मैंने इसीलिए बताया कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई नई इक्वेशन भी गिवन हो सकती है, पुरानी भी निकालनी पड़ सकती है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, सिर्फ नई नई निकालना सिखा रहे हैं, तो अगर ऐसे भी पूछ लिया तो भी वो नई निकालते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट्स इट। सो दिस इज योर शिफ्टिंग द ओरिजिन इनफ, ठीक है। जब ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें क्लियर है आई थिंक। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़े और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउट ग्रुप मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हो, एंड दैट्स इट। थैंक यू।